नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नजर। झांसी जनपद के थाना बबीना में आज मंगलवार को जितेंद्र पुत्र संतोष लोधी निवासी ग्राम बघौरा थाना बबीना ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 21 मार्च को रात करीब 8 बजे उसके पिता संतोष राजपूत उम्र 45 वर्ष तथा मां अजवा उम्र 42 वर्ष ओरछा मंदिर से दर्शन करके अपनी बाइक से लौटकर घर आ रहे थे। तभी अचानक तीन अज्ञात बदमाशों ने मुरली माता मंदिर हाईवे पर उसके माता पिता को रोक लिया और गाली गलौज करते हुए हाईवे के पास झाड़ियों में ले जाकर मारपीट कर दी तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। बबीना थाना पुलिस ने तीनों अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। बबीना के प्रसिद्ध गणेश मंदिर परिसर में हर माह गणेश चतुर्थी पर भव्य प्रसाद वितरण कार्यक्रम किया जाता है। इस माह भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर सुबह से ही मंदिर परिसर में गणेश भगवान के भजनों से मंदिर परिसर में भक्ति की धारा बहती रही। 133वीं गणेश चतुर्थी का प्रसाद वितरण महेंद्र कुमार जैन जल निगम द्वारा भक्तों में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद का आनंद लिया। कमेटी द्वारा बताया गया कि पिछले 6 वर्षों से भी अधिक समय से गणेश चतुर्थी पर प्रसाद वितरण का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है। हर माह की गणेश चतुर्थी के प्रसाद वितरण करने के लिए नंबर लगे हुए हैं। इसी प्रकार निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। इस मौके पर अशोक शास्त्री, चंद्र प्रकाश राय, आशीष कंचन, प्रिंस राज यादव, सुरेंद्र कुशवाहा, चंदन कुशवाहा, लाला रायकवार, आज़ाद वर्मा, सोनू साहू, विनोद सेन आदि मौजूद रहे। बबीना में स्थित जय बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट द्वारा सामान्य शिविर चतुर्थ के आयोजन पर वार्षिक राष्ट्रीय सेवा योजना 2022 की आख्या तैयार की गई एवं परेड का अभ्यास कराया गया। शिविर का आयोजन ग्रामपुरा में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर रामयश द्विवेदी प्राचार्य JVI बबीना रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत हरिओम त्रिपाठी प्रवक्ता बायो ने किया। मुख्य अतिथि ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में युवाओं में बढ़ती नशे की लत युवा वर्ग को कमज़ोर कर रही है। उन्होंने लत लगने के कारणों और नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए समाधान पर बात की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नशे की लत को युवा वर्ग अपने आत्मबल एवं संयम से दूर कर सकते हैं, इसके लिए आत्मनियंत्रण जरूरी है। इसी क्रम में NSS प्रभारी राखी श्रीवास्तव एवं रेखा वर्मा ने वार्षिक आख्या 2022 पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया व डॉक्टर श्रीराम पटेरिया ने रिपोर्ट का मूल्यांकन किया। इस मौके पर सतीश चंद्र, रोहिणी, अमीशा, विक्की कुशवाहा, उपेंद्र, बीरू, हर्ष, अभिषेक, शारदा, स्नेहा, कुमकुम, नंदनी, रोशनी, प्रियंका, पूजा आदि उपस्थित रहे। अंत में सभी का आभार अपर्णा सेंगर ने व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।